दोस्तों, ये बात मैंने आपको बताई थी कि राउडी राठौड़ 2 आने वाली है। अब ऐसे में आपको बताना चाहता हूं मैं कि राउडी राठौड़ के लिए फाइनली अक्षय कुमार का कितना वोपिंग अमाउंट सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, आपका फेवरेट होस्ट एंड दोस्त। तो ऐसे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अक्षय कुमार साहब ने 2012 में करी थी फिल्म जिसका नाम है राउडी राठौड़। हमने देखा था राठौड़, विक्रम राठौड़, इस तरीके से वो अपनी मूंछों पे ताव देते हैं और बात करते हैं। ऐसे में उस वक्त पे, यानी कि 2012 बैक देन की अगर मैं बात करूँ, तो जो वोपिंग अमाउंट कमाया था उन्होंने फिल्म का, वो 27 CR का कमाया था, यानी कि 27 करोड़ का कमाया था। अब दोस्तों, अक्षय सर जो है वो राउडी राठौड़ 2 करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा स्कोप भी बांधते हैं और वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि फिल्म का जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसके लिए तो भाई डबल मेहनताना लगेगा ही लगेगा। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि शबीना खान इसको प्रोड्यूस करती हैं अलॉन्ग विद संजय लीला भंसाली सर, एंड भंसाली प्रोडक्शन की ये फिल्म होती है। अक्षय कुमार दोस्तों इस बार वोपिंग अमाउंट जो चार्ज करने वाले हैं वो 54 करोड़ का करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू लीडिंग न्यूज पोर्टल ये बात हमें पता चलती है दोस्तों। एंड ये जो अमाउंट है ये ठीक डबल द अमाउंट ऑफ 2012 है। वेल दोस्तों, बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो राउडी राठौड़ ने धमाका मचा दिया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मास अपील बहुत ज्यादा थी। तो हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उन्हें मासी फिल्म्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, मसालेदार, लड़ाई, गाना, एक आइटम नंबर। तो ऐसे में दोस्तों ये फिल्म यानी कि राउडी राठौड़ 2 भी कुछ इसी तरीके की होगी और इसी तर्ज पर बनेगी। एंड अक्षय कुमार जब 54 करोड़ चार्ज करें तो डेफिनेटली बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने ये बात बोली होगी। आपको क्या लगता है, आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरीके की दिलचस्प बातें आप लोगों को बताता रहूंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ KGF चैप्टर 2 की ही गूंज है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब से अधीरा का लुक कर दिया गया है रिवील, जब से उनका टैटू हमने देख लिया है और हम सब खुश हो चुके हैं। बताना चाहता हूं कि संजू बाबा अधीरा की डे वन से ही चॉइस थी। प्रशांत नील जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो डे वन से ही संजू बाबा के पीछे पड़े हुए थे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल बोध, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। बताना चाहता हूं दोस्तों कि अधीरा, यानी कि यहां पर हम देखते हैं ना कि अधीरा वापस आएगा KGF चैप्टर 1 में, तो बेसिकली अगर बताऊं मैं तो डे वन से ही प्रशांत नील इस बात को लेकर हेल बेंट थे कि उनको संजू बाबा को ही कास्ट करना है। इनफैक्ट जब फिल्म जो है हिंदी में भी रिलीज करने का मन नहीं बनाया था मेकर्स ने फिल्म के लिए, जब मेकर्स ने यह सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ा में ही बनाएंगे और बाकी के अदर लैंग्वेजेस में नहीं करेंगे, तो तब से ही प्रशांत नील इस बात को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे और एडमेंट थे कि उनको तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ संजू बाबा चाहिए। लेकिन जब बाबा को अप्रोच किया जाता है दोस्तों, तो बाबा वॉज नॉट श्योर, कॉज उनकी अलग डेट्स की प्रॉब्लम थी, अलग कमिटमेंट्स थे। अब दोस्तों, जब फिल्म इतनी बड़ी हो चुकी है, फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा क्यूरोसिटी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में आपको बताना चाहता हूं हमारी क्यूरोसिटी और भी बढ़ाने के लिए आ गए हैं बाबा, और बाबा बन गए हैं अधीरा। ये बात की जानकारी हमें KGF स्टार यानी कि यश ने खुद दी है, और यश ने ऑफिशियली ये बात बोली है कि संजू बाबा डे वन से चॉइस थे अधीरा के लिए, बट अदर कमिटमेंट्स के चलते वो कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फाइनली वो कंफर्म हो जाते हैं। वाओ यार, ये तो बहुत अच्छा है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, संजू बाबा जब जब इस तरीके के खलनायक वाले किरदार में आए हैं, तब तक बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया गया है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि संजू बाबा जब आएंगे अधीरा बनके यश के सामने, और यश यहाँ पे रॉकी भाई बनेंगे, तब ये जो क्लैश होगा तब क्या कहना चाहेंगे, सारी बातें बोल दीजिए। बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरीके की चटपटे बातें, अपडेट्स मैं आपको बताता रहूंगा KGF चैप्टर 2 की। सो कीप ऑन वॉचिंग।